हेलो बच्चों, आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम आज सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी और उससे रिलेटेड मैटर्स को डील करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम जानें व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब इसको शुरू करते हैं उससे पहले एक बार जरूर याद करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। उन्होंने क्या देखा था कि अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट, तो प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है। मीन्स लाभ डिमांड क्या था, एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट था, और प्राइस का जो इफेक्ट डिमांड पर था उसका डायमेंशनल नेचर बताता है। मीन्स प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। लेकिन अगर हम प्राइस में प्रॉपर क्वांटिटेटिव चेंज बताएं कि इस प्रोडक्ट की प्राइस में इतने पैसे कम कर रहे हैं या इतने रुपए कम कर रहे हैं, तो डिमांड में क्या असर आएगा, प्राइस बढ़ा रहे हैं तो डिमांड में कितना असर आएगा, तो ये क्वांटिटेटिव चेंज लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता सकता। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक नए टूल को देखना होगा, वो टूल है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताएगा कि उस क्वांटिटेटिव चेंज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले एक बार डेफिनेशन पे जाएंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी फर्स्ट, सेकेंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड। मींस होता क्या है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, और उस डिपेंडेंट वेरिएबल को कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल चलाते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तीसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और एनी अदर डिमांड डिटरमिनेंट्स लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, टैक्स रेट। ये सब ऐसे डिटरमिनेंट्स हैं जो डिमांड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये वेरिएबल्स क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाएंगे, और डिमांड क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। तो जिस वेरिएबल को हमने टच किया, फॉर एग्जांपल हमने प्राइस ऑफ कमोडिटी को लिया, तो उससे क्या बनेगा, प्राइस इलास्टिसिटी बनेगा। अगर हमने इनकम ऑफ कंज्यूमर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना तो हमें क्या मिलेगा, इनकम इलास्टिसिटी मिलेगा, और अगर हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को लिया तो क्रॉस इलास्टिसिटी मिलेगा। ऐसे और भी डिटरमिनेंट्स को हम ले सकते हैं लाइक एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आप जानते हो कि डिमांड को डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं, इसलिए एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी इट इज द लेटेस्ट इलास्टिसिटी गुण। और भी डिटरमिनेंट जिनको डायरेक्ट हमें लगते हैं कि डिमांड को सीधा असर डालेंगे, हम उन डिटरमिनेंट्स के थ्रू उनकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। CBSE ISC की जहां तक बात है तो CBSE में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी है और ISC में क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी भी सिलेबस का पार्ट होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। क्लियर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन डेफिनेशन कि हमें क्या करना है, प्राइस का चेंज डिमांड पर वो मापू करना है, और दोनों का जो रिस्पॉन्सिवनेस होता है यानी परसेंटेज चेंज का जो रिलेशन है दैट इज इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी EP इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, और अगर इसको हम परसेंटेज को और इफेक्टिव बनाते हैं तो -P/Q इनटू Q अपॉन P, where P is initial price of the commodity, Q initial quantity demanded of the commodity, delta P change in price of the commodity, delta Q change in quantity demanded of the commodity. Clear? ये अब minus sign की जहाँ तक बात कर ली, ये बहुत one marks में पूछा जा सकता है कि why there is minus sign before this, और हम इसको numerical solve करते समय use नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि माइनस सिर्फ इस बात के लिए लगा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, फर्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक, मींस प्राइस कुछ भी हो डिमांड विल बी सेम, डिमांड विल नॉट चेंज। मींस इन केस ऑफ कंपलसरी क्वांटिटी और नेसेसिटीज डिमांड विल बी सेम, लाइक सॉल्ट। अगर सॉल्ट अगर हम लें तो सॉल्ट क्या होगा, उसकी डिमांड क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, प्राइस चाहे जो हो। तो ऐसे केसेस को क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक। क्लियर, मींस उनके डिमांड पर प्राइस की चेंज का कोई असर नहीं होता। बहुत ध्यान से, वन मार्क्स
क्वेश्चन के लिए ये बहुत इफेक्टिव है कि प्राइस की चेंज का असर डिमांड पे ना पड़े। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? इलास्टिसिटीज में आएगा आपका सॉल्ट आएगा। क्लियर? पहली है परफेक्टली इनइलास्टिक, मींस इलास्टिसिटीज में इलास्टिसिटी क्या होती है? इनइलास्टिक, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफिनिटी। क्लियर? सेकंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मीन यहां पे प्राइस कांस्टेंट होगी डिमांड चाहे जो। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? जनरल थिंग है, इसीलिए इलास्टिसिटी क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि ऐसी कोई कमोडिटी अवेलेबल ही नहीं है जहां पर प्राइस कांस्टेंट हो। ठीक है, एग्जांपल नॉट अवेलेबल। थर्ड आता है लेस देन यूनिट इलास्टिक, मींस यहां पे प्राइस में बहुत इफेक्टिव चेंज भी हो तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। ओके, मींस प्राइस देखिए यहां पे पी से पी जीरो का गैप बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड एम और एम1 के बीच में गैप बहुत छोटा सा है। मींस बहुत ज्यादा प्राइस चेंज करने पर भी डिमांड पर कोई खास असर नहीं आता, बहुत मामूली सी चेंज आती है। यानी कोई ऐसी चीज होगी इस कैटेगरी में जिसका एक्सेस यूज क्या होता है, हमें हार्मफुल हो सकता है। तो यहां पर सबसे बढ़िया यहां पे एग्जांपल हम लेते हैं शुगर। एज यू नो कि एक्सेस कंजम्पशन ऑफ शुगर में बी द कॉज ऑफ डायबिटीज, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाए। ठीक है, उस कंडीशन पे भी डिमांड बहुत मामूली सी इंक्रीज होती है। नाउ मूव टू पॉइंट नंबर 4। ठीक है, इसका प्राइस इलास्टिसिटी का चौथा जो पार्ट है वो ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक है, मींस यहां पर प्राइस में बहुत मामूली से चेंज होगा और उस कारण क्या होगा, डिमांड में ज्यादा चेंज होगा। मींस थोड़ा सा भी प्राइस अगर कम हुआ तो डिमांड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज हो सकता है। ऐसे केसेस को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? एक से ज्यादा होती है। और इसमें जो बेस्ट एग्जांपल सूटेड जो एग्जांपल है इसके लिए वो कौन सा होगा जिसमें प्राइस जो थोड़ी सी भी कम होने पर डिमांड ज्यादा हो जाती है? इसमें थोड़ी सी प्रीशियस चीजें आएंगे लाइक गोल्ड है ना, पेट्रोल है, इस तरह की चीजें इसमें आएंगी जहां पर थोड़ी सी भी चेंजेस क्या होगी वो प्राइस में वो डिमांड को बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। फिफ्थ पार्ट आता है यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो 1 होती है, मींस प्राइस में जो चेंज होगा जितना उतना ही लगभग डिमांड में चेंज होगा, है ना। जो चेंज प्राइस में होगा वही चेंज डिमांड में होगा, मींस यहां पे क्या है कि प्राइस के अकॉर्डिंगली डिमांड अकोमोडेट होती है। प्राइस जिस हिसाब से कम होगी जितने परसेंट उतने परसेंट डिमांड बढ़ेगी, प्राइस जितने परसेंट बढ़ेगी डिमांड उतने ही परसेंट कम हो जाएगी। ठीक है, और इसमें जो एग्जांपल जो हम यूज करते हैं सबसे अच्छा एग्जांपल वो है क्लोथ्स। कपड़ों की डिमांड जो होती है उसकी इलास्टिसिटी हमेशा एक होती है क्योंकि वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है उसकी डिमांड। क्लियर है? ये जो पांचों पार्ट आपने पढ़ा भी वो बेसिकली इट इज द मेथड ऑफ परसेंटेज, है ना। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस और डिमांड का रिलेशन लिया गया है। ठीक है, तो जब हम लोग मेथड ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ेंगे तो आप परसेंटेज मेथड में ये काम आएगा आपको फिर से। ठीक है, नाउ मूव टू मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर, इसमें सबसे पहले मेथड है परसेंटेज मेथड जिसके फिगर्स अभी आप लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, अब उसका थ्योरेटिकल पार्ट देखिए। परसेंटेज मेथड के हिसाब से इलास्टिसिटी जो होती प्राइस वो इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड इन अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। क्लियर, इसको लैप्लेस इक्वेशन में भी कर सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू पी बाय क्यू इनटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो यहां पे देख लो माइनस का साइन लगा है, तो ये माइनस का साइन एग्जैक्टली से यूज नहीं करना है न्यूमेरिकल्स में। ये साइन सिर्फ इस बात को डिनोट करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो P equals to initial price, delta P means change in price, Q means initial quantity demanded and delta Q means change in quantity demanded and EP that is elasticity, तो इसको हम बोलते हैं price elasticity coefficient। clear? जिसके आपको figure wise discussion करना हो तो जो भी आपने types of price elasticity 5 पढ़े वो percentage method के base पर बनाए गए थे। second आता है expenditure method। एक्सपेंडिचर इसी को हम लोग आउटले मेथड भी कहते हैं, मींस जब डिमांड और प्राइस का जो प्राइमरी रिलेशन होता है पहले हम उससे एक्सपेंडिचर तय कर लेते हैं और उसके बाद जब प्राइस चेंज होती है फिर एक्सपेंडिचर तय करते हैं क्या हुआ। ठीक है, और इन्हीं दोनों एक्सपेंडिचर को हम कंपेयर करते हैं इस मेथड में। क्लियर, लाइक सबसे पहले होता है यूनिट इलास्टिक। ठीक है,
जो यूनिट इलास्टिक होता है उस पर हम लोग देखते हैं कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो जो पहले होता है वही बाद में भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर 6 रुपए कीमत है और 10 रुपए क्वांटिटी डिमांडेड था तो टोटल खर्चे कितने हो 60 रुपए के, और सेम 4 अगर प्राइस हो गई और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई 15 हुई तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ 60 हुआ। मीन्स एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम आइदर प्राइस इज लेस और ग्रेटर। क्लियर? तो ऐसे केसेस में क्या होगी इलास्टिसिटी वो यूनिट इलास्टिसिटी होगी। ठीक, सेकेंड आता है लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी। यहां पर क्या करना है आपको, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीजेस विद फॉल इन प्राइस। फॉर एग्जांपल देखिए 10 रुपए थी डिमांड 6 थी, खर्चे कितने कर ले 60, अब आपने प्राइस कम कर दी 8 कर दी, डिमांड बढ़ी तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ लेकिन वो ओवरऑल एक्सपेंडिचर कम हो गया। अगर हम 8 से 10 की ओर अगर देखें तो प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या हुई एक्सपेंडिचर क्या हुआ बढ़ गया, और प्राइस घटने से एक्सपेंडिचर क्या हुआ कम हुआ। ऐसी कंडीशन पे कौन सी इलास्टिसिटी है लेस देन यूनिट इलास्टिक एज पर एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इन थर्ड केस मोर देन यूनिट इलास्टिक, इसमें क्या है टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विद द फॉल इन प्राइस एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्राइस। मींस पहले वाले की प्राइस 100 थी, डिमांड 8 थी तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ 100, बाद में हमने प्राइस कम की तो डिमांड बढ़ गई और एक्सपेंडिचर क्या हुआ 150। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्राइस कम होने से क्या हुआ एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, और प्राइस अगर हम रिवर्स कर लें प्राइस अगर बढ़ा रहे हैं तो एक्सपेंडिचर क्या होता है कम होता है, इनवर्स रिलेशन है एक्सपेंडिचर और प्राइस का। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगी मोर देन यूनिट इलास्टिक है। ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी देखेंगे। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड को हम एक डायग्राम पे लेके आ रहे हैं, इस डायग्राम को देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है इसमें टोटल एक्सपेंडिचर है और वाई एक्सिस है उसमें प्राइस दिखा दी जा रही है। ठीक, अब आप यहां पे देखेंगे प्राइस पी से पी वन डिक्रीज हो रही है, प्राइस पी से पी वन डिक्रीज हो रही है जोन वन में। देखिए जोन वन में तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ वो देखिए बढ़ रहा है, पहले की कंपैरिजन देखिए लगातार एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी प्राइस कम होने से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगी ग्रेटर देन वन होगी। फिर पी वन से पी टू तक देखिए प्राइस डाउन हुई लेकिन एक्सपेंडिचर कॉमन थे वो नहीं चेंज हुए, दिख रहा है एक्सपेंडिचर सेम है, तो ऐसी कंडीशन को क्या है जोन टू में आती है, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी वन होगी। ठीक, अब प्राइस पी टू से पी वन पी थ्री की हो जा रही है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या होता है डाउन हो रहा है, तो इट मीन्स इलास्टिसिटी क्या होगी लेस देन वन होगी जोन थ्रू में। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस का रिलेशन क्या है, मीन्स प्राइस बढ़ने से या प्राइस घटने से एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आएगा वो एक्सपेंडिचर मेथड में ज्यादा फोकस होती है। पहली चीज, एक अच्छी मेथड है लेकिन इस मेथड को बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, यूज कौन सी ज्यादा होती है परसेंटेज मेथड। ठीक है, अगर हम कहें परसेंटेज मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में विच वन इज ग्रेटर विच वन इज गुड तो वी विल गो फॉर परसेंटेज मेथड। क्लियर, नाउ मूव टू मेथड नंबर 3, ज्योमेट्रिकल मेथड और पॉइंट इलास्टिसिटी या आर्क मेथड। ओके क्लियर, इन दिस मेथड वी विल यूज फर्स्टली द फॉर्मूला इलास्टिसिटी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इनटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। आप यहां पे देख रहे हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये dd इज द कर्व फ्रॉम p पॉइंट नंबर a से पॉइंट नंबर b पर, आप ये जानते हैं कि इट इज अटेनेबल बिटवीन द डिमांड कर्व, तो एवरीथिंग अटेनेबल मैक्सिमम प्राइस पॉसिबल प्राइस एंड मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड। ठीक, इट इज अटेनेबल अंडर दिस ab डिमांड कर्व। क्लियर, प्राइस p पर डिमांड थी oq और प्राइस l पर डिमांड थी on। ठीक, तो यू कैन शो दिस इज द चेंज इन प्राइस एंड दिस इज द चेंज इन डिमांड। क्लियर, तो पी क्या है देखिए पी प्राइस एम क्यू याद कर, तो ये क्या है पूरा प्राइस फैक्टर है ये दिखाया, और पी एम दिस इज द डिमांड दिस इज द डिमांड। ओके, KT, this point K and T, this is the change in demand and
KM or MK, you can say this is the change in what price. This is delta P and this is delta Q. Clear? So as you see in this diagram, triangle MKT and triangle MQB are similar triangle. Okay? MKT and MQB. See, MQB, MQB or MKP, both are what? Similar triangle. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो के टी है, के टी अपॉन एम के, वो क्या कहला सकते हैं? क्यू बी अपॉन एम क्यू, क्यू बी अपॉन एम क्यू. क्लियर? सेम ड्यू टू सिमिलर ट्रायंगल्स. तो नाउ पुट इन दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन. तो व्हाट वी विल गेट? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन एम क्यू इनटू MQ upon PM. So as per this arithmetical system, we cut this. So what we will get? QB upon PM. Okay? अब आप एक बार और देखिए एक और तरीके से कि delta APM, sorry, triangle APM and MQB. This is MQB and APM. This one, this triangle and this triangle. See, this triangle and this triangle, both are again similar triangle. So we can say EP equals to B upon AM. Same अगर similarity for जो properties हम को follow करेंगे तो क्या सामने आएगा? BM upon AM means BM upon AM. Clear? ये क्या आएगी? Elasticity of demand. ठीक? तो हम इसको क्या कह सकते हैं? This is what BM क्या है? लोअर सेगमेंट है और AM अपर सेगमेंट है. इलास्टिसिटी क्या होगी? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. क्लियर? अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो हम यहां देख सकते हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को. हमने फिर ये डायग्राम यहां पर ड्राफ्ट किया. A और B, ये डिमांड कर्व है. पॉइंट नंबर A, पॉइंट नंबर A पर क्या होगा? इलास्टिसिटी क्या होगी? इंफिनिटी होगी. और पॉइंट नंबर बी पे क्या होगी? जीरो होगी. क्यों होगी? क्योंकि लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट करेंगे तो यहां पे अपर सेगमेंट क्या है? जीरो है. और यहां पे अपर सेगमेंट क्या है? लोअर सेगमेंट जीरो है. इसलिए इलास्टिसिटी क्या होगी? यहां पर जीरो होगी और यहां पर इंफिनिटी होगी. क्लियर? सेंटर पे आप देख लें इलास्टिसिटी क्या होगी? वन होगी. यहां पे ग्रेटर देन वन, यहां पे लोअर देन वन. ठीक? अब क्या कर सकते हैं हम? आप कहीं भी चेक कर सकते हैं. अगर यहां पे देखिए, मान लीजिए MKB, अगर हम यहां MKT ले रहे हैं तो इस केस पे देखिए लोअर सेगमेंट क्या है? MB और अपॉन AM. तो आप यहां क्या देख रहे हैं कि जो लोअर सेगमेंट है वो ग्रेटर देन है अपर सेगमेंट, इसलिए क्या हुआ? ग्रेटर देन 1 हुआ. यहां पे क्या है? लोअर सेगमेंट वो लेस देन अपर सेगमेंट है, इसलिए क्या होगा? यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? लेस देन 1 होगी. क्लियर? अब ये लोग कहते हैं कि भाई पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड नॉन लीनियर डिमांड कर्व पे लेके आए तो क्या होगा? नॉन लीनियर डिमांड कर्व. ठीक है? अगर नॉन लीनियर डिमांड कर्व है लाइक दिस, और इसको अच्छा कर सकते हैं लाइक दिस. ठीक है? तो हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन यहां पे ड्राफ्ट करेंगे और जिस पॉइंट पर ये टच करेगा इस स्ट्रेट लाइन को, ये डिमांड कर्व मेथड सेम है, तो उसी पॉइंट को हम यहां पे आइडेंटिफाई करेंगे लाइक दिस पॉइंट इज सी. ओके? तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट हम करेंगे. तो आप देखिए बी सी और ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी. यहां क्या दिख रहा? बी सी जो है वो लेस देन है ए सी के, तो यहां पर क्या हो इलास्टिसिटी? वो लेस देन 1. ठीक है? तो मेथड्स की जहां तक बात है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सीबीएसई का पार्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन के रूप में आईएससी का पार्ट है. आईएससी स्टूडेंट मेथड्स को बिल्कुल इग्नोर मत करिए, क्योंकि आपके कोर्स में मेथड बहुत प्रॉपर है और वो एग्जाम का पार्ट है और अभी तक आती रही है, आएगी. ठीक है? सीबीएसई में मेथड्स से ज्यादा प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स इंपॉर्टेंट होते हैं.
ओके लेकिन मेथड को ये हम नहीं कह रहे कि सीबीएसई में कम इंपॉर्टेंट, लेकिन आईएससी का एक क्वेश्चन पेपर का बहुत बड़ा पार्ट है इलास्टिसिटी की मेथड्स। ओके नाउ मूव टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके इन दिस केस मैंने क्या किया कि मैंने टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है ना, आपको याद करने में बहुत आसान होगा और बहुत आसानी से बहुत सारे पॉइंट आप एक साथ देख सकते हैं। अब आप देखिए सबसे पहले मैंने यूज किया अवेलेबिलिटी और सब्स्टिट्यूट पहला फैक्टर, तो आप देखिएगा अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में यानी सब्स्टिट्यूट नहीं अवेलेबल है वहां पे क्या होगा, इन इलास्टिक होंगे। ठीक है मल्टीपल यूजेस ऑफ कमोडिटी, अगर मल्टीपल यूजेस है तो प्रोडक्ट क्या होगा, इलास्टिक होगा। अगर मल्टीपल यूजेस नहीं है सिंगल यूज है तो इन इलास्टिक होगा। नेचर ऑफ कमोडिटी, अगर परशिएबल गुड्स हैं तो वहाँ पे इलास्टिक ज़्यादा होंगे, लग्जरीज गुड्स में इलास्टिक ज़्यादा होंगे, लेकिन इलास्टिक कहाँ पर ज़्यादा होंगे, अगर प्रोडक्ट ड्यूरेबल है और साथ साथ वो प्रोडक्ट हमारी नेसेसिटी में आता है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर लो इनकम ग्रुप है तो उसके लिए डिमांड इलास्टिक होंगी, हाई इनकम ग्रुप के लिए डिमांड इन इलास्टिक होंगी। फिर टाइम पीरियड फॉर विच डिमांड इज रिक्वायर्ड, अगर बहुत अर्जेंट रिक्वायर्ड है कोई प्रोडक्ट तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी। और अगर पोस्टपोनमेंट पॉसिबल है, पोस्टपोनेबल है अगर प्रोडक्ट तो वहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड होगी। उसके बाद ऑकरेंस ऑफ डिमांड मीन्स रिकरिंग डिमांड मीन्स कंटिन्यू हर महीने एक जैसी चीजें डिमांड की जा रही है, बार बार डिमांड की जा रही है, रिकरिंग डिमांड है तो वहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा इलास्टिक डिमांड लेके आएगा, और अगर नॉन रिकरिंग डिमांड है तो वहाँ पर इन इलास्टिक होंगे। उसके बाद है प्राइस रेंज, अगर नॉर्मल प्राइस रेंज के प्रोडक्ट है तो वो डेफिनेटली इलास्टिक होंगे, अगर हाई प्राइस रेंज होंगे तो वहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड हो सकती है। उसके बाद पोर्शन ऑफ इनकम व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेंड, अगर लार्ज पोर्शन हम एक्सपेंस करने जा रहे हैं अपनी इनकम का तो वहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, इलास्टिक ज़्यादा होंगे, और अगर हम स्मॉल सेगमेंट यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे इलास्टिक कम होंगे। क्लियर। नाउ हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू अपनी इन चीजों को तय करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि प्राइस इलास्टिसिटी इज गिवन 2, परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन 5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो एज आवर फॉर्मूला इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमने फॉर्मूला में इलास्टिसिटी रखी 2, चेंज इन डिमांड x, चेंज इन प्राइस 5 गिवन है, सो डिमांड में चेंज कितने का हुआ, 10% का हुआ। क्लियर है, यही आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, अ प्रोडक्ट वाइज डिमांड वाज 50 व्हेन प्राइस वाज 4, व्हेन प्राइस वाज रुपीज 1 पर यूनिट तो इट्स डिमांड बिकम 100 यूनिट्स, फाइंड द इलास्टिसिटी। तो पी गिवन 4, क्वांटिटी गिवन डिमांडेड 50, प्राइस चेंज कितने का 1 बताया हुआ है और क्वांटिटी चेंज निकाल लीजिए, 100 थी पहले डिमांड, अब 50 है, डिमांड में चेंज कितने का है 50 का। तो इसी फॉर्मूले में वापस रखें, फॉर्मूला क्या किया हमने, P by Q into delta Q upon delta P, तो P 4 है और डिमांड कितनी 50, चेंज इन डिमांड 50 और चेंज इन प्राइस 1, तो इलास्टिसिटी कितनी हुई 4, दैट इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। क्लियर। नाउ पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे डिमांड दी है प्रोडक्ट की 100 यूनिट्स अगर प्राइस 5 हो, ठीक, व्हेन प्राइस चेंजेस डिमांड राइजेस टू 150, फाइंड द न्यू प्राइस व्हेन इलास्टिसिटी इज 2.5। ओके माइनस 2.5 इज गिवन, माइनस इज शोइंग जस्ट रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, दैट इज इनवर्स। ओके तो p इज गिवन 5, क्वांटिटी डिमांडेड इज गिवन 100, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 50 एंड चेंज इन प्राइस वी डोंट नो, दैट इज to be calculated and elasticity is given 2.5. So in formula we have written elasticity demand 2.5, price 5, 100 quantity delta Q 50 and delta P that is to be calculated. So delta P kitna hai 1. Okay. So हम जानते हैं inverse relation, तो price कम हुई तभी demand बढ़ी, कितनी price कम हुई 5 में minus 1 दे रही है तो कितनी आई 4.
ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द बोर्ड्स, बट आईएससी डेफिनेटली 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन देयर इन द क्वेश्चन पेपर. सो बी रेगुलर, बी सिंसियर फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आल्सो, एंड ट्राई टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम बुक्स एंड द प्रैक्टिस इट अवेलेबल इन डिफरेंट वेबसाइट्स. ओके, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इट जस्ट सेंड योर ईमेल आईडी टू आवर ईमेल आईडी apnacommerce@gmail.com and we will definitely provide you. This is very important topic and keep watching this our videos and be updated with the latest updates of academics. Thank you so much, boys and girls.